हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और नए साल का ये दूसरा मेरा ब्लॉग आ रहा है फ्रेंड्स, है ना। और क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द और तबीयत भी मेरी ऐसी रहती है, ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, और मेरे ब्लॉग भी बहुत लेट पहुँच रहे हैं आप लोगों तक। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आज का मेरा व्लॉग शाम के 5 बजे से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स, तो क्या मैंने शॉल जर्सी देखे कितना पहन रखा है, मैंने पहन रखा। और ये देखो मेरी जैकेट पहन रखी, पागल है ना। और इसको देखो, अब भूख लग रही है इसको। खाना खाने का टाइम देखो, इसको 5 बजे खाना खा रहा है। और हमारे यहाँ का मौसम दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ का मौसम। और धूप देखने के लिए तो फ्रेंड्स हम तरस गए हैं। धूप कितने दिन हो गए, निकलती नहीं है धूप तो, है ना। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। तो इसी ठंड को देखते हुए चटपटा सा कुछ बनाते हैं फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अब किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम किचन में और करते हैं कचौरी वगैरह बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ गैस पे। सो दूध भी गर्म होता रहेगा और हमारी कचौरी की तैयारी भी मैं कर लूंगी। और स्टफिंग मैंने पहले ही बना के रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सुबह बनाई थी आलू की मिर्ची, आलू भर के मिर्ची बनाई थी, तो उसी टाइम में मैंने बना ली थी स्टफिंग थोड़ी ज्यादा कचौरी के लिए। तो स्टफिंग देखिए, आलू की हमारी रेडी है और फटाफट से बनाते हैं हम कचौरी। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमें इस साल 2024 में भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं तैयारी। तो फ्रेंड्स अब मैं फटाफट से करती हूँ दूध को गर्म, फिर चाय के बर्तन भी साफ करने हैं और आप सबके लिए कचौरी भी बनानी है। तो कर लेती हूँ पहले दूध गर्म। तो फ्रेंड्स डाल लिया है मैंने सारा दूध, और ये 2 लीटर दूध है फ्रेंड्स। तो इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स दूध भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और इधर में मैंने छान लिए मैदा कचौरी बनाने के लिए, मैदा भी छान लिए। तो फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, तो इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे फ्रेंड्स नमक। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डालेंगे इसमें मोयन डालेंगे हम, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूं मैं। सबको अच्छे से मिला लूंगी और एक आटा यानी कि डो बना के रेडी करूंगी, गूंद लूंगी सारे मैदा को फिर मैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सब चीजों को अच्छे से मिला लिया है, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका यानी कि गाढ़ा आटा गूंद के तैयार करूंगी। ज्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है और ज्यादा पतला भी नहीं करना है, है ना। सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए चपाती जैसा हम ऐसा सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करेंगे, और इस पे थोड़ा सा मैं ऑयल लगा के और इसको रख देती हूँ 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। इसको ढक के रख दूंगी फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आटा भी गूंद के रेडी कर दिया है और इसको ढक के रख दिया है फ्रेंड्स। और 5 मिनट के बाद में हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। और इधर में स्टफिंग मैंने पहले ही बना के रखी है, तो आप लोगों को इसकी पूरी रेसिपी वीडियो जाननी है तो मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। और आपके लिए स्पेशली मैं ये आलू कचौरी बना के यानी कि रेसिपी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं 5-10 मिनट बाद आप लोगों से, तब तक बने रहिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स दूध हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसको बाहर रख देते हैं और चढ़ाएंगे गैस पे कढ़ाई। तो फ्रेंड्स दूध को रख दिया है बाहर और अब चढ़ा देते हैं गैस पे कढ़ाई, और इसमें डालेंगे ऑयल। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे आटे को रखे 5 से नहीं 10 मिनट हो गए, 5 मिनट ज्यादा ही हो गए, और आटे को हम मसल मसल के चिकना करेंगे। और वैसे भी आटा हमारा चिकना हो गया है और कचौरी बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन तोड़ेंगे इस तरह से,
और हम बनाएंगे कचौरियाँ और बाकी आटे को ढक के रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं और बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और बाकी आटे को मैं ढक के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पूड़ी बेल के मैंने तैयार कर ली है और इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग जो हमने बनाई है आलू की। ये देखिए, और इसके चारों तरफ फ्रेंड्स पानी लगाएंगे जिससे कि हमारी कचौरी चारों तरफ से चिपक जाए, यानी कि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से पानी लगा दिया है और इसको इस तरह से हम बंद करेंगे फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा आटा है इसका हटा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा मैं बेलन से इसको पूड़ी जैसा बेलूंगी, ज्यादा जोर नहीं डालना है इस पे, है ना। और ये देखिए, और तेल भी हमारा गरम हो गया है, और ज्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी मैदा ऊपर से जल जाएगी और अंदर से हमारा मैदा कच्चा रह जाएगा, इसलिए धीमी आंच पर ही हमें सेकना है इसको। तो फ्रेंड्स हमारी दो कचौरियां मैंने बना के रेडी कर ली है, और इसको मैं डाल देती हूँ ऑयल में और बाकी सारी मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से हम सारी बना के तैयार करेंगे, और देखिए ज्यादा ऑयल गर्म नहीं है, ऐसे में ही हमें कचौरियां डालनी है और इनको फ्राई होने देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए हमारी दो कचौरी बनके रेडी हो गई है, फुली फुली हमारी आलू की स्टफिंग वाली कचौरी रेडी हो गई है, और डाल देती हूँ इसके अंदर। तो मैंने दो कचौरी और बना के रेडी कर रखी है फ्रेंड्स, तो ये भी डाल देती हूँ इसमें, और इसी तरह से हम सारी कचौरी बना के रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी चार कचौरियां बनके रेडी हो गई है, और मैंने सॉस के साथ में इसको सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप चाहे तो ग्रीन चटनी, रेड चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, मजेदार होने वाली हमारी कचौरी। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी, और अभी मेरी कचौरी फ्राई हो रही है फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में मैंने चार कचौरी फ्राई की है, क्योंकि फ्रेंड फिर गरम गरम ही अच्छी लगेगी, ठंडी होने के बाद में अच्छी नहीं लगेगी। तो आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब भी इंजॉय कीजिए ठंडी के मौसम में आलू की कचौरी। फ्रेंड्स चलिए कचौरी खाते हैं, और ये दोनों बच्चे देखो ऐसे मक्खी की तरफ बन बना रहे हैं कचौरियों को देख के, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो फ्रेंड्स चटपटा कुछ भी मिल जाए तो मन करता ही है, और ये देखो मक्खी की तरफ बन बना रही है। तो आ जाइए मेरी YouTube फैमिली, ये सबसे पहला आप टेस्ट करके बताइए फ्रेंड्स, और दे देती हूँ बच्चों को। तो फ्रेंड्स मेरा तो मन ऐसा करे कि अभी खा लूँ, तो चलिए फ्रेंड्स खा के दिखाती हूँ और टेस्ट बताती हूँ आप लोगों को। यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, मार्केट जैसी है ना। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। इनको देखो, बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम सबने खा लिए कचौरी, और कचौरी बहुत ही यम्मी बनी थी फ्रेंड्स। और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा मार्केट, टाइम हो गया है फ्रेंड्स 7 बज गए हैं, और मैं और अनुषा जा रहे हैं, अनुषा को कुछ लेना है मार्केट से। तो चलिए फ्रेंड्स मार्केट निकलते हैं, और अनुषा हो रही है अंदर में तैयार, रेडी हो रही है, यानी कि बाल बाल बना रही है, और तो कुछ भी नहीं है। और ये देखो बाल बना के आ गई और मैं भी बाल बना लेती हूँ। और वैसे ठंड में कपड़े वगैरह चेंज करने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए कपड़े वगैरह चेंज नहीं करेंगे और चलते हैं हम मार्केट। तो फ्रेंड्स अब निकलते हैं, और अनुषा जूते पहनने गई है, और आते हैं अभी। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 7:20 हो गए हैं, और 8:30 बजे से बच्चों की ट्यूशन भी है, उससे पहले जल्दी से आना है फ्रेंड्स। तो चलिए निकलते हैं, खोलते हैं दरवाजा और चलते हैं फ्रेंड्स, और मार्केट में भी मिलते हैं आप लोगों से। जूते लेते हैं आज, अनुषा जूते डाल के देख रही है भाई, है ना। बताए कौन से जूते पसंद आ रहे हैं, एक बार जो चीज मन को भा जाए ना, ये वाले जूते पसंद आ गए इसको। हाँ बेटा,
पहनने मुझे थोड़ी पहनने पसंद कर लिया अनुषा ने सिलेक्ट सुंदर सुंदर सैंडल्स भी है ऊपर वाले डिजाइन तो ले लिए अनुषा ने जूते और चलते हैं खुश हो गई अनुषा देखो इसका 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 खुश हो गई जूते लेके फ्रेंड्स आ गए और नीचे बहुत ज्यादा ठंड है कुल्फी जम गई हमारी अनुषा तो जूते लेके खुश हो गई खुश बस बस खोल लेगा दरवाजा पैरों का तो पता ही नहीं है फ्रेंड्स इतने ज्यादा पैर ठंडे हो गए हैं मेरे जूते पहनने के बाद भी और जूती पहन रखी है और अनुषा के जूते आ गए फाइनली और इतनी ठंड में मुझे भगाई है अनुषा ये देखिए इसके जूते अभी दिखाती हूँ आराम से और काफी खुश हो रही है अनुषा अनुषा लग गई है देखो इसको जूते में लेस वगैरह डाल रही है अभी डालना आता ही नहीं है और लेस के जूते ले आई है ना फ्रेंड्स देखिए अनुषा के जूते कैसे लग रहे हैं अनुषा ने पहन लिए हैं जूते है ना और काफी अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स खुश हो गए देखिए पैर उठा उठा के चाहे गिरी जाए ये देखो ये देखो ये चार नंबर का जूता है तो चुप तो चलिए फ्रेंड्स अब खाना वाना बनाते हैं अब हो गई इसके जूतों की शॉपिंग भी और अब मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स खाना तो खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं और मिलते हैं खाना बनाने के बाद में और पहले तैयारियां करूंगी देखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स क्या बनाना है और फिर जलाएंगे आज आग जलाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है फ्रेंड्स बाहर में तो और बहुत ही ज्यादा ठंड है फ्रेंड्स फिर आग जलाने वाली हूँ मैं तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा हो गया है सारा काम खत्म हो गया है देखिए बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए हैं किचन को भी क्लीन कर दिया है फ्रेंड्स और खाना मैंने बनाया नहीं है क्योंकि हमने कचौरी बनाई थी फ्रेंड्स तो उसी से पेट फुल हो गया है और खाना हमने नहीं बनाया फ्रेंड्स और जो लास्ट में थोड़ा सा मैदा बच गया था उसके मैंने देखे काजू बनाए थे ऐसे तो कभी बना के दिखाऊंगी रेसिपी वीडियो में और मैंने देखे काजू बनाए हैं तो ये थोड़ा सा मैदा बच गया था उसी के बना लिए और बाहर में जला लिए फ्रेंड्स आग भी जला ली हमने क्योंकि ठंड काफी हो गई है टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए जल गई है हमारी आग भी और मैंने थोड़ी देर पहले ही जला दी थी आग को और देखिए कितने अच्छे से आग जल रही है आग के पास में बैठो ना फ्रेंड्स तो ठंड नहीं लगती है और ये देखो ये बैठी हुई है आराम से है ना और बाहर में देखिए फ्रेंड्स देखो कोहरा होने लगा है हल्का हल्का होने लग गया है आज ज़्यादा कोहरा नहीं था वैसे है ना अंधेरा हो गया है काफ़ी पार्क भी नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये भी सारी लकड़ियाँ जल जाएंगी ना तो अंदर लेके चले जाएंगे फ्रेंड्स तो थोड़ी देर अंदर बैठ जाएंगे इसके आगे है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है आ जाइए आप लोग भी हाथ सेक लीजिए फ्रेंड्स देखिए अनुषा देखिए फ्रेंड्स मैं भी बैठ गई हूँ यहीं पे थोड़ी देर हाथ सेक के फिर अंदर लेके जाएंगे इसको इसके सहारे तो बैठ जाओ फ्रेंड्स वैसे तो बैठा ही नहीं जाता है बाहर में और बहुत अच्छे से आग जल रही है देखिए देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज आग लगा दी अनुषा ने ये देखिए फ्रेंड्स गिर गई थी लकड़ी वापस से मैंने लगा दी है ये क्या हो रहा है बहुत तेज से आग लग रही है देखिए और अब इसको अंदर लेके जाएंगे थोड़ी देर में तो फ्रेंड्स देखिए सारी आग जल गई थी तो मैं इसको अंदर लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स और अब थोड़ी देर के लिए हाथ सेक लेते हैं और फिर जाएंगे हम सोने के लिए क्योंकि टाइम फ्रेंड्स 11 बज गए हैं और एक हफ्ते से तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा हो रही है धूप भी नहीं आती है ना तो बहुत ज्यादा ठंड है तो मैं 2 दिन से आग जलाने लगी हूँ है ना और फ्रेंड्स हम हीटर का यूज नहीं करते हैं देसी लोग हैं तो देसी तरीके से आग जला के बैठ जाते हैं फ्रेंड्स हम है ना और ये देखो ये दोनों लोग भी बैठे हुए हैं है ना मेरे साथ साथ ही रहते हैं ये दोनों चंगू मंगू है ना तो फ्रेंड्स 11 बज गए हैं सोएंगे क्योंकि इनकी सुबह स्कूल है और 4 तारीख है ना कल
4 जनवरी है तो इनकी 3 तारीख तक की छुट्टियां थी। कल से स्कूल जाने वाले हैं तो कल से हमारा वही रूटीन है। 2-4 दिन अच्छे से मैं नींद पूरी कर ली पर कल से हमारा रूटीन वही होने वाला है फ्रेंड्स। सुबह 5 बजे उठना है ना। और तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं ब्लॉग का एंड। आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। और मेरी प्याज आलू प्याज वाली जो स्टफिंग की कचौरी थी वो कैसी लगी है वो भी कमेंट में बताना। ओके फ्रेंड्स अगर इसकी पूरी रेसिपी चाहिए आप लोगों को तो वो भी मुझे बताइएगा, आप लोगों के लिए जरूर मैं रेसिपी वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।